हेलो एवरीवन, आज हम सेवन्थ क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 8 शाम एक किसान में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 8 शाम एक किसान। और इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि खेती करने वाले व्यक्ति के लिए किसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नीचे लिखे कार्य करने वालों के नाम लिखो। तो यहाँ है जैसे भवन निर्माण करने वाले, तो उसको राजमिस्त्री बोला जाता है, जो भवन का निर्माण करता है। आगे है लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं। लोहे का काम करने वाला वो होता है लोहार। सोना चांदी का काम करने वाला उसको बोलते हैं सुनार। चिकित्सा करने वाला वो होता है चिकित्सक, या फिर डॉक्टर भी बोलते हैं। ईंटें बनाने वाला होता है भट्टा मजदूर। अब जैसे है शिक्षा देने वाले को शिक्षक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, टीचर बोल देते हैं इंग्लिश में। अब आगे है ख़राब मशीनों को ठीक करने वाला, तो ख़राब मशीनों को ठीक करने वाला ये होता है मिस्त्री, या फिर आप मैकेनिक भी जो है कह सकते हैं। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर कि सुबह के दृश्य के बारे में लिखो। आसमान में क्या क्या दिखाई देता है सुबह, जो है सूर्य, पक्षी, बादल, चांद आदि दिखाई देते हैं। उगते हुए सूरज की लालिमा से आसमान बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि तुम्हारे आसपास के लोग क्या क्या करते हैं। घर के लोग दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करते हैं, फिर दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हैं। किसान खेत में जाते हैं, नौकरी करने वाले लोग नौकरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम क्या क्या करते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों आप जो करते हो ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है कि मैं प्रातःकाल उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान करती हूँ, परमात्मा का सुमिरन करती हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, फिर नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। अब यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट आप जब देखेंगे तो इसमें है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें क्या क्या हो रहा है। यहाँ जब हम इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं तो देखिए, इसमें पानी की सिंचाई की जा रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, यानी खेतों में सिंचाई की जा रही है पानी से। यहाँ पर जब हम देखते हैं इस सेकंड चित्र में, तो ये दो औरतें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और ये धान रोप रही हैं। और यहाँ पर इस चित्र में, तीसरे चित्र में, दो किसान हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, धान की फसल को सिर पर रख कर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हल चला रहा है किसान, और यहाँ पर देखिए फसलों की कटाई की जा रही है। और इस तरह से ये सारे चित्र जो हैं, इसमें देखिए किसान और उसकी पत्नियां बोरियों में इनको भर भी रहे हैं। अब यहाँ पर ये सभी बातें जो है हमने यहाँ पर लिख दी हैं। ये देखिए, एक बार ट्यूबवेल के पानी से खेत की सिंचाई की जा रही है, दो महिलाएं खेत में धान रोप रही हैं, किसान और उसकी पत्नी धान की फसल को सिर पर रख कर ले जा रहे हैं, किसान बैलों से खेत में हल जोत रहा है, एक महिला किसान फसल की कटाई कर रही है, और किसान और उसकी पत्नी अनाज को बोरियों में भर रहे हैं। जैसा ये चित्र दिखाया गया था ना, यहाँ देखिए ये किसान है और ये है उसकी पत्नी, दोनों अनाज को जो है वो बोरियों में भर रहे हैं। अब इसी तरह यहाँ पर एक कविता दी गई है, जाड़े की कविता है। देखिए इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जाड़े जी, जाड़े जी, ओ जाड़े जी, सर्दी के हर कारे जी, आते ही बारिश के तंबू ढेरे आप उखाड़े जी, जाड़े जी, ओ जाड़े जी,
कोहरा छाया खूब घना, मछुआरे का जाल तना, ओले की बोछारों ने क्या जमकर छक्के मारे जी, जाड़े जी ओ जाड़े जी। इसी तरह से अब यहाँ पर आगे है, धुआं उगलते हैं मुखराम, बहती नाक सवेरे शाम, दांत मियाँ डर कर किट किट किट, रजते रोज पहाड़े जी, जाड़े जी ओ जाड़े जी। ऊनी कपड़े गरम गरम, गरम पे का है मौसम, बढ़ गई रातें लोखर राटे, दिन तोच गए पछाड़े जी, जाड़े जी ओ जाड़े जी। तो ये भगवती प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर ये कविता दी गई है। देखिए नाम दिया गया है भगवती प्रसाद द्विवेदी की कविता है। और अब यहाँ पर देखिए आप, इसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं कि यह किस कविता किसके बारे में है। तो यह कविता जाड़े जी के बारे में, यानी जाड़े के बारे में, जाड़े यानी कि सर्दी के बारे में है। जाड़े किसको बोलते हैं, सर्दी को बोलते हैं। तो आप यहाँ पर सर्दी भी लिख सकते हैं जाड़े की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता के कवि कौन है। तो अभी मैंने बताया ही था भगवती प्रसाद द्विवेदी, इस कविता के कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जाड़े का मौसम कब आता है, किस मौसम के बाद, किन महीनों में। तो इसके क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे कि जाड़े का मौसम वर्षा ऋतु के बाद, पौष माघ यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से कि कविता के अनुसार जाड़े में क्या क्या होता है, यहाँ लिखो। तो जैसे कोहरा छा जाता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म पेय पदार्थ पीते हैं, रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, ठंड के कारण दांत किटकिटाने लगते हैं और नाक बहने लगती है। तो जाड़े में जो है ये सब होता है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि इन शब्दों के मतलब पता करो। तो यहाँ पर जो ये शब्द दे रखे हैं, यहाँ देखिए, इनके जो है मतलब हमें पता करने हैं। यहाँ देखिए ये रही, इसमें जिस तरह से यहाँ पर एक ये है हरकारा, हरकारा का मतलब होता है संदेश भेजने वाला। यहाँ है जैसे कोहरा, कोहरे का मतलब होता है धुंध, सर्दियों में कोहरा आता है, सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आता होगा, धुंध जिसको बोलते हैं। एक है यहाँ पर शब्द छक्के मारना, सफलता के झंडे गाड़ना, छक्के मारना का मारने का मतलब जो है हम कह सकते हैं। अब आगे जैसे है तंबू उखाड़ना, यानी किसी को उखाड़ देना, यानी कि उखाड़ फेंकना है मतलब हो गया इसका। पछाड़े, पछाड़े का मतलब पछाड़ना होता है, किसी को हरा देना यानी कि। आगे अब जैसे कि दे रखा है पेय, पेय का मतलब होता है कोई पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं पेय, पेय पदार्थ। नेक्स्ट अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आगे भी कुछ शब्द दिए हैं, जैसे उखाड़े, उखाड़े का मतलब यहाँ पर इसने कहा है लगाए, उखाड़े का मतलब लगाए, यानी कि ये इसका उल्टा बताना है। उखाड़े का मतलब होता है उखाड़ना और लगाए का मतलब है लगा देना, तो ये उल्टा अर्थ हो गया है। जैसे घना, घने का उल्टा हो जाता है थोड़ा, बहना, बहने का उल्टा जो है हो जाता है थमना। इसी तरह से है गर्म, गर्म का उल्टा हो जाता है ठंडा। यहाँ पर ये विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, यानी कि विलोम शब्द बोलते हैं जिसे। दिन, दिन का उल्टा विलोम हो जाता है रात। सवेरे, सवेरे का विलोम या विपरीतार्थक होगा शाम। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी ओले या कोहरा देखा है, ओला कैसे बनता है, कब गिरता है, ओले गिरने से क्या होता है, कोहरा छाने से क्या होता है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर देने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ओला इसके बारे में लिखेंगे कि जब आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी ठंडी बूंदों के रूप में जम जाती है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती हैं जिन्हें ओले कहते हैं। जब इन गोलों का वजन अधिक हो जाता है, यानी ओले का जो वजन होता है, ओले गोल गोल होते हैं, गोल ओले होते हैं, यानी इन गोलों का वजन जो ओले के गोले होते हैं
उन गोलों का वजन जो है अधिक हो जाता है तो ये नीचे गिरने लगते हैं। ओले गिरने से फसल को नुकसान होता है। अब यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों की वेशभूषा व दिनचर्या कैसी होती है, बता करो व लिखो। किसानों की वेशभूषा साधारण होती है, वे धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता पहनते हैं, कंधे पर एक गमछा रखते हैं ताकि खेत में काम करते समय पसीना आने पर गमछे से पोंछ सके। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अपनी दिनचर्या की तुलना किसान की दिनचर्या से करो। तो इसमें कि किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में कड़ी मेहनत करते हैं, हम सुबह नहा धोकर तैयार होकर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और स्कूल से घर आकर गृह कार्य करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है इसमें कि जाड़े जी कविता में जो बातें आई हैं उनके आधार पर एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर जो ये जगह दी गई है ना बच्चों, आपको इस जगह पर चित्र बनाना है। ये काम आप खुद करेंगे। जाड़े की कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है, मैंने भी आपको सुनाई भी है वो कविता। इसे अच्छे से सुनना है, पढ़ना है और उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर कोई चित्र बना देना है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।